अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं मार्केट के अंदर मौजूद हूँ और हमारे करीब ये एक शॉप फॉर सेल थी, ये बिक चुकी है अब। तो यहाँ पर एक नया सेटअप स्टार्ट होने जा रहा है, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये फ्लक्स वगैरह, इसके पैनाफ्लक्स चेंज हो गए, भाई अंदर काम लगे हुए हैं। ये जो है वॉल चॉकिंग हो चुकी है, पैनाफ्लक्स लगाया है इन्होंने, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, काम वगैरह चल रहा है। इसका काउंटर वगैरह इन्होंने तैयार कर लिए, ये शीशे वगैरह उखाड़ लिए हैं। इससे पहले मेरी आप वीडियोस देखें दूसरे व्लॉग्स में जाके, यहाँ पर खुशे और फिर गारमेंट्स की शॉप बनी थी और अभी चेंज हो चुकी है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि पैनाफ्लेक्स को अगर वॉल के ऊपर लगाना है तो उसका तरीकाकार क्या है। ये भाई ने कुछ लगाए रात को, कम्प्लीट किया, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक इस साइड की दीवार है और दूसरी इस साइड की दीवार है। तो अभी यहाँ पर ये पेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने गिलू वगैरह लगा दिया है जो कि इस डिब्बी के अंदर बनाया था। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बॉटल काट के इसके अंदर इन्होंने बनाया है। कौन कौन सी चीज़ मिक्स की है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक गिलू है, ये वाली, और इसके अलावा ये क्या चीज़ है, ये वो दूसरी स्मार्ट बॉन्ड है ना, स्मार्ट बॉन्ड, इन दोनों का मिक्सचर बना के फिर इन्होंने यहाँ पर लगाया और उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। और वो देखें अभी जो सा है, ये पूरे का पूरा चिपक गया है, नज़र आ रहा है आपको, ये सारा चिपक गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान सा तरीकाकार है और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा प्रिंटेड है, ये वाली चीज़। यहाँ पर शॉप बनाई जाएगी कपड़ों की, बुटीक की, और इसके अलावा किस किस चीज़ की होगी? अच्छा, बुटीक का फ़िलहाल अभी ये भाई बुटीक का कर रहे हैं और बाकी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ माइंड जैसे चेंज होता है, समझ आती है, उसी हिसाब से ये काम करेंगे। सर, तो ये पेस्ट बनाने लगे, ये गिलू इसके अंदर डालेंगे, हम थोड़ी सी गिलू डालेंगे, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है गिलू। गिलू डालने के बाद उसके बाद स्मार्ट बॉन्ड डालनी है, ये आप लोगों को नज़र आई है, फिर इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे पेस्ट बन जाएगा वो दीवार के ऊपर लगा के, उसके बाद पैनाफ्लेक्स आपने लगाना है। कोई भी लकड़ी लेके उसकी मदद से जो सा इसे मिक्स करना है। तो दोस्तों, ये हमारा ये पेस्ट तैयार हो चुका है, अब बारी है दीवार के ऊपर लगाने की। ये पेस्ट। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस पैनाफ्लेक्स से मुतलक डिटेल मांगी है, मैं आप लोगों के साथ सारी की सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ वन बाय वन। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी डिटेल। ये जैसा ये पैनाफ्लेक्स आप लोगों को नज़र आ रहा है दीवार के ऊपर लगा हुआ है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका साइज़ क्या है। वैसे ये 40 रुपये फुट पाकिस्तान के अंदर बनता है और मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में इसका ऑर्डर जो है ब्लू एरिया, वहाँ से ये प्रिंट आउट होता है। ये अभी पैनाफ्लेक्स जो है ये काटने लगे, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये इस दीवार के ऊपर लगाना है, ये उसी हिसाब से काटेंगे, साइज़ लेंगे, साइज़ लेने के बाद फिर ये कटिंग होगी और फिर दीवार के ऊपर चिपका देंगे। और साइज़ में आप लोगों को बता दूं, मैं इस साइड से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इस पूरी शॉप के अंदर जो सा है पैनाफ्लेक्स लगा है, तकरीबन पाकिस्तानी जो सा है 10,000 रुपये का लगा है। और ये दीवार जो सी है इसका साइज़ 12x9, ये जो सा नीचे वाला है पोर्शन इन्होंने कट कर दिया और ऊपर लगा दिया है। ये तकरीबन साइज़ इसका साइज़ क्या है? ये अभी जो ये है तकरीबन 90 इंच है टोटल, 90 इंच ये टोटल आ रही है। हाइट जो सी है इसकी 9 फुट है और हाइट 90 इंच है, जो लंबाई है वो तकरीबन इसकी है कितनी? 11 फुट ये इसकी लंबाई बनती है। और इसी तरह वो 9x8 है वो सामने, और फिर ये दीवारों के ऊपर इन्होंने लगाया है। तकरीबन जो कास्ट आई है वो आई है 10,000 पाकिस्तानी। अगर आप भी इस तरह का बनाना चाहते हैं तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप नंबर निकाल सकते हैं और ब्लू एरिया से ये बनवा सकते हैं। ये इस जगह का साइज़ जो सा अभी ले रहे हैं, ये साइज़ जो सा है 16 इंच, ये 16 इंच है। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट 10
हमारा अच्छा 2 इंच ऊपर से इसका आगे से कट हुआ है, ये नीचे तक नहीं, अच्छा नीचे तक लगेगा 10 फुट पूरा, ये 10 फुट है जी, 9 इंच बाई 10 इंच यहाँ से कटिंग होगी साइज लेने के बाद, और फिर पेस्ट बना के उसके ऊपर लगा के चिपका दिया जाएगा। ये देखें जी मार्किंग करने के बाद अभी कटिंग हो रही है इसकी, ये कटिंग मुकम्मल हो गई है। ये चेक करें, ये ग्लू लगा दिए सारा, अभी इसके ऊपर सारा पेस्ट लगाएंगे। ये सारा ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर पेनाफ्लेक्स लगाया जाएगा। और इसके अलावा एक वो नई चीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये हेयर ड्रायर है, अगर इसके अंदर कोई पेनाफ्लेक्स लगाने के दौरान कोई बबल्स आ जाते हैं तो वो इसकी हीट से लेवल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं आप आसानी के साथ। ये देख सकते हैं आप कि हेयर ड्रायर है, ये अभी पेनाफ्लेक्स लगाने लगे। ये देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग काटा था सारे के सारा, ये आपको नज़र आ रहा है। अभी उसके ऊपर चिस्पा करने लगे कौन दोस्तों, ये लगा रहे हैं तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो तकरीबन 1 वीक के बाद आपको इस शॉप की हम लुक दिखाएंगे। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, अभी अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन समझ लें, बहुत सारा काम इसको रहता है। ये जैसा लाइटिंग का बिजली का काम, बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ था वो उखाड़ दिया गया है, बोर्ड को इस साइड पे लाएंगे। इस वक्त के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।